मनसुख मांडविया ने कहा कि सीएम पर कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है, झूठा प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि नागरिक संशोधन अधिनियम किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। केंद्रीय मंत्री रैन में एक निजी पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं को नागरिक संशोधन बिल पर संबंधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संशोधन केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई के लिए है, क्योंकि वहां पर इन वर्गों को अल्पसंख्यक होने के चलते प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की दिक्कत यह होती है कि शॉर्ट टर्म रीजनल इश्यू को लेते हैं और व्यक्तिलक्षी राजनीति। वहां एक लीडर होता है, वो रीजनल इश्यू को लेकर आगे बढ़ता है और उसके आधार पर लोगों को सेंसिटाइज करता है और वो पार्टी फॉर्म करता है और सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ता है, और जो सत्ता में आ जाता है तो ये व्यक्ति रीजनल पार्टी के जो मुखिया होते हैं वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके भतीजा होता है होम मिनिस्टर बन जाता है, उसके नज़दीक के कोई परिचित होते हैं वो दूसरा मिनिस्टर बन जाते हैं। जैसा सपा, सपा में प्रीवियस गवर्नमेंट में एक ही फैमिली के 10 लोग मंत्री थे, जैसा बसपा एक व्यक्तिलक्षी राजनीति होती है और केवल कास्टिज्म के आधार पर वो सत्ता चलाता। ऐसी रीजनल पार्टी की यह स्थिति होती है, उसमें नेशन फर्स्ट नहीं बनता है, स्टेट कभी फर्स्ट बन जाता है, सत्ता कभी फर्स्ट बन जाती है। दोस्तों हम अलग लोग हैं और ये पार्टी में उसके कार्यकर्ता की घटता, उसके कार्यकर्ता निर्माण की स्थिति भी यही होती है। वहाँ कार्यकर्ता निर्माण की प्रोसेस कम होती है और कम होने से और जो उसके कार्यकर्ता का निर्माण होता है वो भी सत्ता कैसे लाई जाए ऐसा ही उसका प्रशिक्षण होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता निर्माण की बहुत लंबी प्रोसेस है, कार्यकर्ता का निर्माण हर संभव हर स्टेज पर होता है। ये कार्यक्रम हुआ, कार्यकर्ता आए, मैंने बोला, यहाँ वक्तव्य कहा, आप लोगों ने सुना, कार्यकर्ता निर्माण की एक प्रोसेस है। जब ये कार्यक्रम आयोजन करना हुआ होगा होता उस वक्त दो दिन पहले यहाँ तैयारी में लगे होंगे कार्यकर्ता, ये स्टेज का संचालन किसी ने किया, ये व्यवस्था किसी ने खड़ी की, ये सब कार्यकर्ता निर्माण का काम है। बार बार मीटिंग होना, कार्यक्रम आना, कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन होना, अभ्यास वर्ग होना, चिंतन बैठक होना, ऐसा करके हमारी पार्टी हमारा कार्यकर्ता का निर्माण करती है। और निर्मित कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से जब सत्ता पर आते हैं तो हमारे यहाँ नेशन फर्स्ट हो जाता है, देश प्रथम क्रम पर हो जाता है। और नेशन फर्स्ट, देश प्रथम, ये विषय को लेके हम आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए इन अल्पमुख शरणार्थियों को हिंदुस्तान में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, कहते रहे, भरोसा देते रहे, लेकिन उनका शोषण भी करते रहे। लेकिन हमारी सरकार ने, ये सरकार बनने से पहले हिंदुस्तान की जनता से वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को हम नागरिकता देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं राज्यसभा में रहने का मौका मिला है, कोई भी बिल जब ड्राफ्ट होता है तो वो पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक तरह से हम मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें सभी पार्टियों के लोग होते हैं और दोनों हाउस के लोग होते हैं, राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी, सब पार्टियों को मिला के एक जॉइंट कमेटी बनती है। उसमें जाके हाउस पर चर्चा, इसमें बिल पर चर्चा होती है। 12 जुलाई को ये बिल जो था वो जॉइंट कमेटी के पास जाता है और वहाँ पर चर्चा होती है। वहाँ पर अगर किसी को कोई तकलीफ थी तो वो बता देता था, कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे वो अपनी बात को अपनी पार्टी में जाकर रख सकते थे। फिर जो बिल लोकसभा में पेश हुआ और अंततः राज्यसभा में पास हुआ, वहाँ पर भी कांग्रेस में चाहे नाम लेवा ही सही लेकिन प्रतिनिधि थे और अपने राहुल बाबा और उनकी अपनी जान भी वहाँ थी, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बिल पास हुआ, बीच बीच में थोड़ा हंगामा करते रहे, उनको लगा कि हमको तो ये सुंड की गठी मिल गई
और ये बवाल बचाना शुरू कर दिया कि इसमें मुस्लिम का नाम क्यों नहीं है, मुसलमानों को प्रताड़ित, मुसलमानों को शरणा नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी। भाई और बहनों, इस बिल में स्पष्ट लिखा हुआ है और उसका एक सीधा सा कारण ये है कि अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, शरीयत के अनुसार चलता है, बांग्लादेश मुस्लिम देश है, शरीयत के अनुसार चलता है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, संवैधानिक रूप से उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ कि वी आर इस्लामिक कंट्री, पारित किया, एक कानून बन गया। और जब पारित करके बिल राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और जब उस बिल को अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो वो एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है। लोकसभा में कांग्रेस भी है, लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टीज भी है, लोकसभा में आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी है, लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी के प्रतिनिधि भी है। अब लोकतंत्र का तो मतलब यह है कि वहां पे जो आपने कहना था कहो, बिल के पक्ष में यदि अपना मत नहीं देना तो विपक्ष में दो। लेकिन नतीजा यह हुआ मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में जो बिल आया,